बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बनेंगे हीना शाह। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में सिवान में अभी वर्तमान सांसद कविता सिंह महागठबंधन से हैं, तो वहीं हीना शाह ने खुद को अभी महागठबंधन से अलग कर रखा है। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि अभी हम किसी दल में नहीं हैं, जिसके बाद से ही हीना शाह राजद के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आई हैं। ऐसे में अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो राजद के टिकट पर लगातार 3 बार इस सीट से चुनाव लड़ने वाली पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शाह के अलावा अब कविता सिंह का भी दावा महागठबंधन से ही होगा। और ऐसे में राजद या जदयू किसी एक ही पार्टी से यहां उम्मीदवार उतर सकता है। ऐसे में जदयू की सांसद कविता सिंह की उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि वो अभी सिटिंग सांसद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 3 बार से इस सीट पर चुनाव में हार का सामना करने वाली हीना शाह कैसे 2024 में पार पाएंगी, और वो भी तब जब उन्होंने खुद को राजद से अलग कर लिया है और अभी किसी दल में भी नहीं है। ऐसे में हीना शाह के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऑप्शन बच जाता है। अगर हीना शाह निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि हीना शाह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में राजद और जदयू की महागठबंधन भी अपना उम्मीदवार यहां से उतारेगी, वहीं बीजेपी भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि बीजेपी और जदयू के उम्मीदवारों के साथ साथ हीना शाह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में होंगी, तो लड़ाई त्रिकोणी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी जहां अपनी पूरी एड़ी चोटी लगाएगी वहीं महागठबंधन भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वहीं बात कर ले हीना शाह का, तो सिवान सीट पर शुरू से ही सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है और उनके अपने कैडर वोटों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में हीना शाह की जीतने की भी उम्मीदों को नकारा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 लोकसभा का चुनाव अगर इस समीकरण पर होता है तो लड़ाई काफी दिलचस्प होगी।